हेलो गाइस, तो सो गाइस हम सुबह उठ चुके हैं और अभी हम सुबह की स्टार्ट करते हैं विद चाय। तो आप देखो हम चाय बना रहे हैं और पीएंगे। और आज एक बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि हम आज कहीं जा रहे हैं। जैसे कहाँ जा रहे हैं उसके लिए बस एक व्लॉग की और दूरी है। आपको ज़रूर पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में हम कहाँ जा रहे हैं, बट उसके लिए हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुबह उठ के चाय तो नॉर्मल है ना, उसके बाद पैकिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, एंड देन फाइनली हम अपना ट्रैवल दिखाएंगे आपको आज ही इसी ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। और इसकी अभी हमने पैकिंग वैकिंग पूरी कर ली है। कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको जब जैसा प्रिया ने बोला अगले ब्लॉग में पता लग जाएगा आपको कि हम कहाँ। सब कुछ फैला पड़ा है, भी उठा के डालेंगे बैग के अंदर। मैं सोच रहा हूँ कुछ दो या तीन शूज ही लेकर जाऊँ, ज़्यादा भी नहीं, बिकॉज ज़्यादा शूज़ कैरी करना भी टफ हो जाता है। लोग यहाँ पे चाय पीने वाले हैं, चाय बन रही है, चाय पियेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कैरी करने वो देखने। मेरा आज भी ऑफिस है तो मुझे पहले ऑफिस करना पड़ेगा, उसके बीच में मुझे सारी पैकिंग करनी पड़ेगी कुछ बची कुछ, या फिर मैं ऑफिस के पहले भी कर सकता हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलेगा काम करता जाऊंगा। बस पैकिंग शुरू करी है मैंने, डन हो जाएगी इसके बाद में वी विल जस्ट मूव अहेड। हाँ जी, तो अब आया मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब इस ट्रॉली बैग का वेट करके देखेंगे। उठाया ऐसा और 7 दिनों का सामान मैंने इस ट्रॉली बैग में सिर्फ 15 kgs में पैक कर लिया है। तो अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा कैश लेने, आज शाम को ट्रैवल करना है उसके लिए, तो थोड़ा कैश लेके जल्दी से आके फिर लंच करेंगे और बाकी के काम भी निपटाएंगे। बॉट दीज ऑल्सो, इनके अंदर डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे हमारे जो ट्रैवल से रिलेटेड है। और अभी ये 3 गमले और ये टमाटर वाला गमला हम लोग ऊपर से लेके आए। हमारे जो माली है या फिर कोई भी है, हम किसी को बोल देंगे केयर टेकर को, जो भी आके इनकी केयर टेकिंग कर ले और एटलीस्ट पानी पिला जाए ताकि ये मरेंगे नहीं। एटलीस्ट थोड़े सूख जाएंगे तो चलेगा, बट मरने नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है इन सारे पौधों पर। तो टमाटर मिर्ची और भी कुछ है बेचारा अंडर प्रोसेस, शिमला मिर्च लगने लग गई। तो अभी मैं और प्रिया बड़ी मुश्किलों से गमले उठा के लेके आए, बिकॉज बहुत ज़्यादा भारी है, वाट लग चुकी है। तो की पैकिंग ऑलमोस्ट डन है और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी 7 बजे हैं और हम लोगों को ऑलमोस्ट 9:15 बजे घर से निकलना है ताकि हम लोग जाके रेलवे स्टेशन पर पहुँच पाएँ। यहाँ से हमारी ट्रेन है दिल्ली की और दिल्ली से हमारी फ़्लाइट है हमारे डेस्टिनेशन की। हैं ये बैग्स हैं हमारे, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कंबल हमको ट्रेन में लेके जाना है क्योंकि कोविड की वजह से बेडिंग नहीं मिल रही है ट्रेन में। और ये जो लैपटॉप है, दोनों, एक ये इसके नीचे एक और है, दोनों जाएंगे इसमें और ये बैग जाएगा। बट अभी मुझे मेरे शूज़ चाहिए थे और वो शूज़ मुझे मिल नहीं रहे, तुमको पता है कहाँ है। तो अभी हम लोग अजमेर रेलवे स्टेशन पे और ये हमारा अभी एक बड़ा बैग है एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी हैवी। तो हम लोग अभी थोड़ी 12 बजेगी बट हम ट्रेन में, मतलब हम ट्रेन पे बैठ जाएंगे। वैसे 10:20 का था लेकिन ट्रेन थोड़ी जल्दी आ गई है, 10:10 पे ट्रेन आने वाली है, अभी अपडेट हुआ है। तो ऑलमोस्ट वी हैव 1, 2, 3, 4, 5 and 6 बैग्स हैं हमारे पास में। तो हम ट्रेन में आ चुके हैं और फाइनली हम जा रहे हैं, हमारे बैग सेटल डाउन हो चुके हैं, हम सेटल डाउन हो चुके हैं और आते ही हम ये खाएंगे। ये है हमारा कार्टून, ये हमारे स्नैक्स रास्ते के। हम खाना खा के आ चुके हैं, अब बस ये थोड़े बहुत स्नैक्स खा के थोड़ी सी अच्छी सी मूवी देख के फिर देखेंगे नींद आती है नहीं आती है, या फिर मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मेरे हाथ पे यहाँ पे कट आ गया था एक सामान जल्दी जल्दी में रखने के चक्कर में, तो अभी हाथों की हालत भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे ये सारा सामान लेके खड़े हैं, मैं अराउंड 4:17 और हम उतरने वाले हैं और हम पहुँच गए हैं दिल्ली। और मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा घर
आ चुके हैं और दोनों बस अभी कैब में यहाँ से एयरपोर्ट जा रहे हैं। 5 बज रहे होंगे, हमारा स्लॉट बुक है 6 to 7, तो बस अभी हम RT-PCR कराएंगे और फिर फ्लाइट के 6 घंटे बैग के पहले हम लोगों को रैपिड PCR टेस्ट कराना है, जो कि एयरपोर्ट की फैसिलिटी पे ही होगा, तो हम लोग वो शाम को आके कर लेंगे और फिर एयरपोर्ट पे बैठ के वेट करेंगे फ्लाइट का और रिजल्ट का। That's it. तो गाइज अब हम फाइनली उतर चुके हैं एयरपोर्ट पे और हम अपने RT-PCR के लिए जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम लोग यहाँ से हार्ड कॉपी भी कलेक्ट कर सकते हैं। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। अभी थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि हम लोग का पूरा नींद पूरी नहीं हुई है। और मैं तो सोई हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं सो रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे भी सही से नींद तो नहीं आई, बट या थोड़ी बहुत आधा पौन घंटा मैंने ले ली थी नींद। तो लग रहा है हमारी कार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ये ब्रेक खींच के भी चले जा रही है। ब्रेक लगा के भी ये चले जा रही है। मैं बता रही हूँ सब्सक्राइबर, ये मुझे उड़ाना चाहते हैं। सही, आपको भी ऐसा लगा? सोच रहा हूँ उड़ाई दूँ। सो हमने कैब बुक कर ली है और टेस्ट का सैंपल दिया। अब हम लोग अराइवल पे उतर गए हैं और यहाँ से मल्टी लेवल कार पार्किंग में जा रहे हैं टू गेट एन ऊबर। वहाँ पे हर ओला ऊबर सबके, हर टैक्सी के अलग से पिकअप पॉइंट्स बने हुए हैं, हम वहीं जा रहे हैं। तो अभी हम लोग बस ऊबर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यू कैन सी सामने ऊबर पिकअप जोन यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड। तो गाइज यहाँ पे डिक्कियों के अंदर मोस्टली CNG होता है, जो भी बूट स्पेस होता है उसमें, तो इसलिए हम लोग बैग्स ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं आगे वाली सीट पे और हम लोग पीछे बैठेंगे। ये हमारे जो कैब वाले भैया हैं वो कर रहे हैं, तो ये सामान हमारा कुछ ऐसे एडजस्ट हो गया है, एक पैसेंजर की जगह पे सामान आ गया है। सही है। Monster.